इस करके पंजाब के अंदर एक नवी जोड़ी शुरुआत हुई है और नवे सियासत के तहत नवे ढंग के नाल जिहड़ा पिंडां दा विकास करांगे और पिंडां दीआं जिहड़ियां ग्रांडां दे विच वड्डे पद्धर ते कपलेबाजी हुई है उस कपलेबाजी की जांच करावांगे। खास तौर पर नरेगा दे विच जिहड़े अरबां रुपये खा गए उन्हां दी जांच करावांगे। जिहड़े छप्पड़ां दे पैसे आए दूजे तीजे जिन्ने भी पैसे आए सब अज अफसर की ड्यूटी लाती है। बिल्कुल सर अफसर शाही अच्छ कहता चंडीगढ़ जिन्हें जोड़े बंद ने दो दिन पहला साढ़े कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुनया लाइव जी क्लास उन्होंने साड़ी लाई साड़ी मंत्रियों की एम एल ए लाई कि करप्शन जी है वो 0% जी वो भी जी बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। इस करके अफसर नूं कह दिता गया सारे पंजाब दे मुद्दे जिहड़े पिछले 5-7 सालों तो वर्करी कर रहे हो सर जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है वह बर्बाद हो गया हेल्थ सिस्टम जिहड़ा बर्बाद हो गया नशे का बहुत वड्डा मुद्दा है बेरोजगारी का बहुत वड्डा मुद्दा है। इन्हां सारे मुद्दों के उत्ते जिहड़ा असीं फोकस करांगे उहदे लई कम करांगे और तुहानूं पता कैबिनेट की पहली मीटिंग के विच ही मान साहब ने बेरोजगारी को हल करने उदन जोड़े है वो दस्तखत किए हैं। सो समझ लो कि नवी सियासत शुरू हुई है पंजाब दे विच सर जिन्होंने भेजा वो पंजाब की गल करे पंजाब के हित में बोलन गए पंजाब के मुद्दों उत्थे ठाउणगे तुसी घबराओ ना। सवाल ये नहीं कि किसान नूं भेजा मजदूर नूं भेजा जां किहनूं भेजा सवाल है कि जिन्हों भेजा कि वह लोग सभा या पार्लीमेंट राज्यसभा जाके साडा पक्ष रखता कि नहीं रखता। सो जिन्हों की भी पार्टी ने चोण की है बहुत वधिया बंदे है तो उन्होंने विरोधी विरोधी कह रहे जी विरोधी कितने जी चंदू दो MLA बैठे उन्होंने विरोधी मानते उन्होंने पंजाब तो सारा एक पासे हो गया यार मारी जाने के विरोधी बेअदबी का मुद्दा जरा असि लोगों के नाल प्रोमिस किया ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਟਾ ਕੀ ਰੋਗ ਕਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਹਾਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ।